तो फ्रेंड्स आज हमारे पास आया है ये फोन जो कि है OnePlus 7, और देखते हैं इसमें क्या कुछ हमें मिलने वाला है और साथ ही साथ इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स भी हम आपको बताएंगे, इसका फुल ऑन रिव्यू हम करने वाले हैं। अगर हम बॉक्स की बात करें तो बॉक्स जो है वो सामने से कुछ इस तरह से देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको पीछे में कुछ स्पेक्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो वेरिएंट है हमारे पास वो है 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला, और यहाँ पे जो कलर है हमारे पास जो अवेलेबल है वो है मिरर ग्रे ब्लैक। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दो कलर में अवेलेबल मिलता है, एक है मिरर ग्रे ब्लैक जो कि हमारे पास है और दूसरा जो है वो है मिरर ग्रे रेड। ओके, तो आपकी मर्जी, जो चाहिए ले लो। तो आइए फटाफट हम इस डब्बे को खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या कुछ हमें मिलने वाला है। तो हमारा चाकू किधर है भैया? चाकू 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 तो नहीं है, तो हमें इससे काम चलाना पड़ेगा। ये हमारा स्पेशल चाकू है जिससे हम इसे करने वाले हैं। ओके, मुझे OnePlus में जो सबसे अच्छा चीज लगता है वो है इसका बॉक्स। बिना कुछ किए ये बॉक्स खुद पे खुद खुलता है ना, देख लो, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये खुद पे खुद, देखा। तो यहाँ पे जो बॉक्स है आपको व्हाइट और अंदर में मिलता है पूरा रेड, तो ये जो टिपिकल इनका फंडा है रेड एंड व्हाइट वाला कॉम्बिनेशन, तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। रेड से मुझे याद आया कि नीचे में आपको एक और चीज रेड दिख रहा होगा, वो है सब्सक्राइब वाला बटन। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया रेड वाला बटन जो है वो दाब दो, जस्ट लाइक दिस। ओके, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दाबना है ताकि हमारे वीडियो के अपडेट जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है ये जो कि है एक सिलिकॉन केस कुछ इस तरह से, और ये क्वालिटी जो है वो भी अच्छा है, ठीक ठाक है। ओके, इसे हम करते हैं साइड में और फिर इसके अंदर में क्या है भैया, देखते हैं खोल के। तो यहाँ पे कुछ मैनुअल गाइड जो है वो दिया गया है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, और इसी में आपको मिल जाता है एक सिम इजेक्टेड पिन जिसकी मदद से आप समझ गए, हाँ समझदार है आप लोग। अब है हमारा मेन डिवाइस जो कि है हमारा फोन। ओके, तो इससे हम निकालते हैं बाहर और फिलहाल इसे रखते हैं साइड में, और उसके बाद इसमें मिल जाता है एक डैश चार्जर जो कि है 20 वॉट का। अगर हम OnePlus 7 Pro की बात करें तो उसमें आपको मिलता है 30 वॉट का चार्जर जो कि है वॉच चार्जर। ओके, इसके अलावा बॉक्स के अंदर मिलता है एक USB टाइप सी केबल कुछ इस तरह का, ये भी पूरा एकदम रेड रेड है, तो रेड से आप समझ गए नीचे लाल वाला बटन सब्सक्राइब दबाना है ना, जो कि USB टाइप सी केबल है। ओके, तो इसे भी हम करते हैं साइड में, और ये है हमारा फोन। अच्छा, आपको पता है कि इस बार का टैगलाइन क्या है OnePlus ने क्या यूज किया है OnePlus 7 Pro के लिए? वो है गो बियॉन्ड स्पीड। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ये जो फोन है ये दो वेरिएंट में आपको मिलता है, एक है 6 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, और दूसरा है 8 GB रैम जो कि 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको मिलता है। कलर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, यहाँ पे इंटरेस्टिंग वाली बात तो ये है कि ये जो फोन है ये 32,999 इसका स्टार्टिंग प्राइस है जो कि है 6 GB वाला वेरिएंट। अगर हम 6T की बात करें, जो OnePlus 6T आया हुआ था वो स्टार्टिंग प्राइस उसका रखा गया था 37,999, तो भैया ये जो फोन है उस 6T जो आया हुआ था उससे भी कम प्राइस में लॉन्च किया गया है। वो बात अलग है कि अभी 6T का जो प्राइस है वो काफी डाउन हो गया। अगर अभी आप सर्च करोगे तो जो 6 GB रैम वाला वेरिएंट है वो आपको 25,999 रुपए में अवेलेबल जो है वो मिल रहा है अमेजोन पे। अगर आप लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप ले सकते हैं, या फिर अगर आपको ये वाला फोन चाहिए उसका भी लिंक है। ओके, सो अब हम अपने फोन की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले हम इसे कर देते हैं इस तरह से स्लाइड। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, दिस फोन इज वेरी हल्का एंड थोड़ा छोटा एज कम्पेयर टू OnePlus 7 Pro। जी हाँ, मेरे पास यहाँ पे OnePlus 6 है जिसे मैं यूज कर रहा हूँ, अभी मेरा जो परमानेंट फोन है वो OnePlus 6 है, तो इसके कंपैरिजन में भी अगर देखा जाए तो ये हल्का है, और इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये बराबर है, यानी यस ये साइज में बराबर है लेकिन हल्का है।
ओके अगर हम इस फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो डिस्प्ले है वो आपको मिल जाता है 6.41 इंच का HD प्लस ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले जो कि 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आपको देखने को मिल जाता है। फोन के पीछे साइड आपको टिपिकल यहाँ पे लोगो दिख जाता है वन प्लस का और नीचे में यहाँ पे ब्रांडिंग आपको दिख जाता है वन प्लस लिखा हुआ। इसका जो 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है ये आता है सोनी IMX 586 सेंसर के साथ विद एपर्चर 1.7। इसके अलावा इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है स्पीकर ग्रिल और दूसरा है माइक्रोफोन और यहाँ पे USB टाइप सी का केबल जो है ऑडियो केबल भी मिल जाता है। ओके वहीं अगर साइड में बात करें तो यहाँ पे सिम इजेक्टेड ट्रे जो है वो आपको देखने को मिलता है। पावर बटन के ऊपर में ही आपको दिख जाता है एक अलर्ट स्लाइडर जो कि मेरा फेवरेट है, मतलब इसे दाबो यानी इसे ऊपर नीचे आगे पीछे करो और आप सेट कर लो कि आपको फोन साइलेंट में रखना है या फिर इसमें रखना है या फिर उसमें रखना है, मतलब जिसमें भी रखना है। वहीं पे फोन के ऊपर में आपको एक नॉइस कैंसिलेशन वाला भी ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे जो ऊपर में दिया गया है ये भी एक स्पीकर ही है क्योंकि इसमें मिल जाता है आपको स्टीरियो स्पीकर। अगर मैं वन प्लस सिक्स की बात करूं तो इसमें मोनो स्पीकर दिया गया था जिसके कारण थोड़ा सा साउंड क्वालिटी जो है वो हमें मतलब कंप्रोमाइज करना पड़ा था। ओके लेकिन इसमें क्या है कि आपको कमाल का साउंड क्वालिटी मिलने वाला है। आइए फटाफट हम इस फोन को रिबूट करते हैं और मैं आपको बता दूं कि इस फोन में गोरिल्ला ग्लास 6 का यूज किया गया है। जी हाँ, वो भी 3D ग्लास। अब यहाँ पे अगर हम प्रोसेसर और OS की बात करें तो भैया इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 855 जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर OS की बात करें यानी ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये यहाँ पे जो OnePlus ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है वो है ऑक्सीजन OS। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास OnePlus 6 है, इसमें भी ऑक्सीजन OS है और कमाल का एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस फोन में आपको 3700 mAh का बैटरी मिल जाता है जो कि पावरफुल बैटरी है और इजिली से आपका चार्ज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डैश चार्जर भी आपको दिया गया है साथ में, तो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। इन सब के अलावा जो इस फोन में एक्स्ट्रा चीज जो आपको देखने को मिलता है वो है UFS 3.0। UFS का मतलब होता है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज और इस फीचर्स के होने के कारण जब आप गेम वगैरह खेलते हैं या फिर जाके अपने फोन को मतलब यूज करते हैं मल्टीटास्किंग के लिए तो ये फोन जो है आपको अच्छा फीडबैक देता है। इस फोन में जो मुझे सबसे अच्छा, ऐसे ये फोन में हर चीज आपको अच्छा ही मिलता है, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया है वो है इसका ऑडियो क्वालिटी। जी हाँ, इसका जो स्पीकर है वो कमाल का है। यहाँ पे ऊपर में जो ईयर पीस है यहाँ भी आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। मैं आपको साउंड टेस्ट जो है वो करके दिखा देता हूँ तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि इसका अच्छा है या फिर इसका अच्छा है। ओके OnePlus 6 एंड देन OnePlus 7 OnePlus 6 and then OnePlus 7। इसमें साउंड क्वालिटी अच्छा मिलेगा, कारण ये है क्योंकि यहां भी आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है और ऊपर में भी जो इसका ईयर पीस है इसमें भी आपको स्पीकर दिया गया है और वो भी स्टीरियो स्पीकर, इसलिए साउंड क्वालिटी इसमें आपको मस्त देखने को मिलता है। ओके अब बात आती है इसके कैमरा टेस्ट की, तो एक छोटा सा टेस्ट जो है वो हम आपको दिखा देते हैं कि कैमरा इसका कैसा है। ये फोटो हमने नॉर्मल मोड में लिया है और नॉर्मल मोड में जो फोटो हमने लिया है काफी अच्छा यहाँ पे कलर टोन हमें देखने को मिला है। अगर हम पत्ते के कलर के बात करें तो यहाँ पे जो कलर टोन है वो आपको नेचुरल देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर मैं पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा होगा, हमने पोर्ट्रेट मोड में ये फोटो लिया है वो भी 48 मेगापिक्सल वाले कैमरा से और जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिजल्ट हमें देखने को मिला है, जो कलर टोन है वो भी परफेक्ट है और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एज डिटेक्शन, जूम करने के बाद आपको दिख रहा होगा जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है यानी व्हाइट कलर का जो फूल है, ओके ये अच्छी तरीके से जो साइड कॉर्नर वाला एज है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसने डिटेक्ट किया है, तो पोर्ट्रेट मोड वाला जो फंक्शन है वो मुझे थोड़ा सही लगा।
इसके बाद ये जो फोटो है यहाँ पे मैं आपको दोनों फोटो दिखा रहा हूँ, एक है नॉर्मल मोड और दूसरा है एसडीआर मोड में। जो नॉर्मल मोड है उसमें आपको रियल कलर टोन जो है देखने को मिल जाता है, लेकिन जब हम एसडीआर मोड में लेते हैं तो वहां पे कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो है वो थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके सेल्फी कैमरा की, जो है 16 मेगापिक्सल का, और यहाँ पे मैं दोनों फोटो एक साथ आपको दिखाना चाहता हूँ। एक है नॉर्मल मोड और दूसरा जो आपको राइट साइड दिख रहा है वो है एसडीआर मोड में। ओके, और ये दोनों हमने पोर्ट्रेट मोड में लिया है। ये फोटो हमने रात में लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फोटो में हमने कैमरा का जो फ्लैश लाइट है वो ऑन करके रखा है, जिस कारण से इस तरह का फोटो आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन जब हमने अपने कैमरा का फ्लैश लाइट ऑफ किया तो ऑफ करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइज, अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो है 1080p और 60fps पे ये जो वीडियो है मैं शूट कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये जो है इसका रेयर कैमरा 48 मेगापिक्सल है। ओके, एंड देन आपको जो वीडियो है वीडियो क्वालिटी पता लग रहा होगा कि यहाँ पे कैसा है। एक चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये फोकस कितनी अच्छी तरीके से करता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे ये है, हम इस पे फोकस करके देखते हैं, ये अभी फोकस किया एंड देन ओके, तो यहाँ पे फोकस करने में ये थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट को फोकस करने में, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो बस ये चीज़ जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ड्रॉबैक देखने को मिला है। एंड देन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो कैमरा है इसमें आपको ऑप्टिक इमेज स्टेबलाइजेशन और साथ ही साथ यहाँ पे मिल जाता है आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, जिस कारण से जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छा स्मूथली शूट होता है। एंड देन अभी जो ऑडियो है वो भी मैं इसी फ़ोन का ही ऑडियो यूज़ कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताना कि इसका ऑडियो आपको कैसा लग रहा है वीडियो शूट करने में। ओके, तो अब मैं यहाँ पे 4K रिकॉर्डिंग जो है वो भी आपको करके दिखा देता हूँ कि उसमें आपको कैसा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो गाइज, अब जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है 4K रिकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो है 60fps पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और यहाँ पे सबसे अच्छा चीज है जो इसमें स्टेबलाइजेशन दिया हुआ है, वीडियो स्टेबलाइजेशन वगैरह, तो ये देखिए, मतलब आपको दिख रहा होगा इसका रिजल्ट कितना अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है इसमें। तो यहाँ पे अगर वीडियो शूट की बात करें तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे आपको इसका फ्रंट कैमरा जो है उससे भी वीडियो शूट करके आपको जो है दिखा देते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जो है ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ इसके फ्रंट कैमरा से, और यहाँ पे फ्रंट कैमरा का जो आउटपुट है वो आप मुझे बताना कैसा। मैं आपको बता दूं कि फ्रंट कैमरा में भी आपको मिल जाता है EIS यानी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे OIS नहीं दिया गया है फ्रंट कैमरा में, जिस कारण से यानी ऑप्टिक इमेज स्टेबलाइजेशन, जिस कारण से आपको थोड़ा सा सैकी करता हुआ नजर आएगा जब मैं इसे लेके घूम रहा हूं तो। ओके, यहाँ पे जो भी कैमरा टेस्टिंग था वो भी हमने आपको करके दे दिया है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसका कैमरा कैसा है नहीं है। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोज की, और जो पहला प्रोज हमें देखने को मिला है वो है इसका डिस्प्ले यानी स्क्रीन। यहाँ पे इसका अगर हम प्राइस, जैसा कि हमने आपको बताया कि 32,999 रुपीज, आपको एक प्रीमियम फोन जो है वो मिल जाता है, जहाँ पे आपको मिलता है फुल HD+ डिस्प्ले, यानी इसका डिस्प्ले जो है वो कमाल का है। अब अगर हम यहाँ पे दूसरे प्रोस की बात करें तो वो है इसका स्पीकर। जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसका स्पीकर जो है वो बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि जब आप गेम खेलते हो तो गेम खेलने का बेसिकली क्या होता है कि स्पीकर इस साइड दिया हुआ रहता है। ओके, तो जब हम गेम खेलते हैं तो इस तरह से फोन पकड़ते हैं, एंड देन जो हमारा ये जो स्पीकर होता है ये हमारे हैंड से दब जाता है, और जो साउंड का आउटपुट होता है वो हमें कम देखने को मिलता है। तो गेम खेलने में जो मजा आता है ना, वो साउंड वाला फंडा, समझ गए ना, तो वो चीज यहाँ पे मिस हो जाता है, लेकिन इस फोन में नहीं होता है। इस फोन में जब आप ये हाथ यहाँ पे रखते हैं तब पर भी आपको आउटपुट जो है वो मिलते रहता है, क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर में भी आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। तीसरा जो इस फोन का प्रोज है वो है इसका
प्रोसेसर जो कि है स्नैपड्रैगन यानी कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 855। अगर हम इस फोन के एंटीथू बेंचमार्क की बात करें तो भैया वन प्लस 7 प्रो से भी ज्यादा इसका बेंचमार्क देखने को मिला है। ओके, और यहाँ पे जो रेनो है ओप्पो का उससे भी ज्यादा यहाँ पे इसका बेंचमार्क आपको देखने को मिल जाता है। चौथा जो इसका प्रोज है वो है इसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि है ऑक्सीजन OS। जी हाँ, जो सॉफ्टवेयर इसमें यूज किया जाता है वो कमाल का सॉफ्टवेयर है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भैया मेरे पास वन प्लस 6 है और इसमें भी सेम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आता है और बहुत ही स्मूथली आपका फोन चलता है। उसके बाद जो इसका फिफ्थ प्रोस है वो है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। जी हाँ, वन ऑफ द बेस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर ऑन, मतलब बहुत ही फास्ट है, और उसी तरह से इसका फेस अनलॉक भी जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, यानी कमाल का यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोनों आपका फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक। इसके बाद 6 नंबर पे आता है इसका प्रोज, वो है इसका कैमरा। कैमरा जो है ये मैं आपको प्रोज और कॉन्स दोनों में देखने को हमें मिलेगा, वो मैं आगे आपको बताता हूँ वो कैसे। ओके, सबसे पहले अगर प्रोज की बात करें तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और 5 मेगापिक्सल का जो है वो डेप्थ सेंसर वगैरह जो है इससे रिलेटेड होता है। यहाँ पे आपको जो अल्ट्रा वाइड एंगल वाला जो फंडा है वो नहीं देखने को मिलता है, जो कि आपको जो ट्रिपल रियर कैमरा होता है तो उसमें आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे डुअल कैमरा दिया हुआ है। लेकिन उसके बाद भी ये कैमरा मस्त है क्योंकि इसमें आपको जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है इसमें आपको मिल जाता है सोनी IMX का 586 का सेंसर जो कि कमाल का है। ओके, साथ ही साथ इनका जो फ्रंट कैमरा है इसमें भी आपको सोनी IMX 471 का सेंसर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्रोस थे वो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको और भी कुछ लगता है इसमें प्रोस तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अब हम बात करते हैं इस फोन के कॉन्स की, तो यहाँ पे अगर हम कॉन्स की बात करें तो जो सबसे फर्स्ट कॉन्स मुझे लगता है वो है इसका कैमरा बम्प। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो ये कैमरा बम्प है ये बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ है। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो इसका जो है ठीक है, मतलब इसका भी बाहर है लेकिन ठीक है, बहुत कम निकला हुआ है। उसी तरह से वन प्लस 7 प्रो का भी जो है वो आपको कम निकला हुआ दिखाई देगा एज कम्पेयर टू वन प्लस 7। ओके, वो कैसे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोनों फोन मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे जब मैंने ये दोनों फोन को रखा है, ये है वन प्लस 6 और ये है वन प्लस 7। ओके, तो वन प्लस 6 में जब मैं यहाँ पे टील पे ऊपर में इस तरह से प्रेस कर रहा हूं तो ये देखिए ये नहीं हिल रहा है, लेकिन अगर मैं वन प्लस 7 के टील पे यहाँ पे प्रेस करूं तो ये देखिए ये प्रॉपर तरीके से आपका सरफेस पे नहीं बैठता और फोन हिलता है। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम जो है मुझे लगा, इसे थोड़ा सा अंदर कर दिया जाता तो कमाल था, लेकिन मस्त है फिर भी। दूसरा जो कॉन्स मुझे इस फोन में देखने को मिला है वो है इसमें आपको 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं दिया गया है। अब बेसिकली क्या है कि हमें रेगुलर हेडफोन जो 3.5 mm जैक आता है तो वो ठूसने का है एंड देन कान में लगाने का और फिर गाना सुनने का है, तो ये फंडा हम यूज करते हैं, लेकिन इसमें नहीं मिलता है। लेकिन इस फोन में आपको उसके जगह यानी 3.5 mm जैक के जगह पे USB केबल वाला फंडा मिल जाता है, तो USB केबल वाला जो आपका ईयरफोन होगा तो उसे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज जो है मिसिंग मुझे लगा वो है डोंगल। जी हाँ, जैसे वन प्लस 6T में भी आपको मिलता है यहाँ पे क्या USB केबल वाला फंडा, लेकिन वहां पे एक्स्ट्रा डोंगल दिया गया था बॉक्स के अंदर में, जिसके थ्रू आप 3.5 mm वाला जैक जो होता है ईयरफोन वाला उसे कनेक्ट करके और भैया ऑडियो का मजा ले सकते थे। अगर वो चीज इसमें बॉक्स में जो है जो हमें मिसिंग लगा अगर वो दे दिया जाता तो फिर मजा था, यानी सोने पे सुहागा। अब जो इस फोन का लास्ट कॉन्स है वो है इसका कैमरा। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रोज में भी आता है कॉन्स में भी आता है, कॉन्स में इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे कैमरा का जो सॉफ्टवेयर है वो उतना इम्प्रूवमेंट किया हुआ नहीं मिलता है इसमें। हाँ, लेकिन वन प्लस ने कहा है कि जो अपडेट है वो कैमरा में आएगा एंड देन जो भी बग्स है वो फिक्स हो जाएगा, लेकिन हार्डवेयर की बात करें तो वहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि DxO Max को इसका जो सॉफ्टवेयर मिला था वन प्लस 7 में वो कमाल का था, इस कारण से यहाँ पे एंटीथू स्कोप में भी आपको जो दिखता होगा बेंचमार्क वो ज्यादा दिख रहा होगा, मतलब एज कम्पेयर टू वन प्लस 7 प्रो और फलाना डेट का जो फोन है,
तो उनसे भी ज्यादा आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो बेसिकली OnePlus ने ये कहा है कि जो सॉफ्टवेयर उन्हें दिया गया था उनके कैमरा में यूज करने के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर जो है अभी तक हमारे जो डिवाइस है उसमें नहीं आया है, एंड देन वो जल्दी अपडेट आने के बाद फिक्स हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ OnePlus 7 में ही नहीं बल्कि OnePlus 7 Pro में भी है, जिस कारण से जब आप फोटो कैप्चर करते होंगे तो फोटो को फोकस ठीक से नहीं कर पा रहा होगा। जैसे कि आपने देखा कि हम वीडियो जब शूट कर रहे थे, वीडियो शूट करने के बाद हमने फोकस इसका चेक किया, देन वहां पे ऑब्जेक्ट को ये ठीक तरह से फोकस नहीं कर पा रहा था, थोड़ा टाइम लग रहा था, और ये बेसिकली इसके सॉफ्टवेयर के कारण ऐसा हो रहा है। एंड आई थिंक कि ये चीज जो है वो बहुत जल्द जो है वो फिक्स कर देगा OnePlus जो अपडेट वगैरह आएगा उसके बाद। और भैया इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर भी इस बार दिया गया है, तो समझ गए। बाय द वे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे ये बताओ कि आपको ये फोन कैसा लगा, यानी जितना भी चीज हमने इस फोन के बारे में बताया है, वीडियो टेस्टिंग, कैमरा टेस्टिंग वगैरह वगैरह, तो ओवरऑल आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस फोन के लिए, वो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताइए। एंड देन हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप हमें जरूर बताइए, और अगर हमारे लिए कोई सुझाव है, कोई राय है, तो भैया वो भी शेयर कर देना। एंड देन यहाँ पे जो रेड रेड आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी तरह का एक चीज आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा वीडियो के नीचे, जो कि है सब्सक्राइब वाला बटन, तो उसे भी दबा देना है, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना है, ताकि हमारे वीडियो के जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फैला दो भैया जहां मर्जी है वहां शेयर कीजिए। एंड देन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।